हेलो गाइस, दिस इज़ दुर्गा रजक और आप लोग हमारे चैनल पे हैं। और आप लोग, मैं इधर देखूँ बहुत कंफ्यूजन होता है ये बड़ा यार, पता है मेरे पास ऑल दो DSLR भी है, बट मेरे को फ़ोन से ब्लॉग करना बड़ा पसंद है क्योंकि फ़ोन बहुत ईजी होता है, ईजी टू कैरी और मेरी अंग्रेजी वजह सुधार दी रहती है। देखो मैं थोड़ा सा हाँ। यार देखो यार, हम लोग ना एक्चुअली हम अभी जो है ना, हम लोग आए हैं। हाय गाइस, और हम आ रखे हैं 108 हरिओम की सोया चाप के बाहर, जो कि सबसे पुरानी चाप की दुकान है। और हमने ऑर्डर क्या किया है, तूने किया है मलाई चाप? हाँ। मेरे फ्रेंड ने किया है मलाई चाप। तूने किया है? हाँ, मतलब तेरे को बताना पड़ेगा कौन है विजय। हाँ। वैसे ऑल तो पता ही सबको कौन है विजय। हाँ। सबको पता ही है। और मैंने किया है हाफ मसाला चाप, घर वालों को ये पता लग जाएगा, अनमोले लग रहा है। बट आज मैंने सोचा खुद को पैम्पर करती हूँ, क्योंकि आज मैं विदाउट अ डे विदाउट अ फोन चैलेंज कर रही हूँ। Okay. वाट लगी पड़ी है, तो मैंने सोचा कुछ तो अच्छा खाया जाए आज। तेरा तो बस बहुत। मैं कितनी देर लगी बनने में? बहुत कितनी 10 मिनट लगे। चलो ठीक है, रुमाली रोटी भी ऑर्डर की है ना? हाँ, रुमाली भी। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज इफ यू आर वेजिटेरियन है, नॉन वेज होता तो मैं नहीं होती यहाँ पे। मैं भी नहीं होता। अरे मैं तो चिकन भी खा जाता अभी। अभी जस्ट यहाँ पे कैमरा को पुट करते हैं, ट्राई करते हैं कि हम दोनों व्लॉग में आ जाए। ट्राई ना दे, आ जाएगी मेरी शक्ल। और ये मैं हूँ दुर्गा रजक, और आप लोग मुझे जानते हो, मैं शायद जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लो यार, क्योंकि ऐसी वीडियोज बहुत सारी आएंगी और आप जान भी जाओ। मेरे कैमरे के पीछे यही बंदा आता है। बंदा नहीं दोस्त हूँ यार, कहाँ से बंदा लगता हूँ। ये देख मेरा नया फोन लिया है, मैं देखो ये मेरा भाई जैसा है। ये लड़की है ना, पता नहीं क्यों जस्टिफाई करती है हर एक चीज़ में ना, वो मेरा भाई है। मतलब यार ऑल दो फ्रेंड भी हो सकता है ना, अच्छा गुड फ्रेंड हो सकता है। नहीं नहीं, तुम वो नहीं है। पता नहीं, मतलब मेरे अंदर से इसको आवाज दिखती है, मतलब इसलिए जस्टिफाई करती है हर बार की ऐसा। हाँ, इसकी एक कर दूँ तभी कुछ दिनों के बाद हम लोग ये शो करने वाले हैं। क्यों कैमरे का पिटवाई घर वालों से? मत तो यार फाइनली हमारा रोल बन रहा है, देखते हैं हमारा रोल बना लिया है। रोल हमारा वो बना ही रहे हैं, ठीक है, तैयार हो गया। एक तो तैयार हो गया और काफी अच्छा लग रहा है। और ये तेरा है? ये मेरा नहीं है, ये तेरा है। अच्छा, ये मेरे। 2 मिनट देखने दो, टेस्ट करके देख ले किसका क्या है। मसाला है? बहुत ठंडा है यार। हाँ तो ठंडा रहेगा भाई, तुम मलाई डलवा रहे हो। नहीं बट हाँ यार, अच्छा है। मतलब सूजी पिछले वाले से बेटर है ये, जहाँ हमने पिछला व्लॉग किया था उससे। अरे उसके तो बहुत घटिया रहे यार। हाँ, वो पंजाबी अंकल बहुत नाराज हो गए थे। स्मृति बना, अब क्या ओए हो, स्टाइल देखो मोहतरमा का। भाई सूदिंग फीलिंग आती है मेरे को ऐसे। भैया रुमाली रोटी? हाँ हाँ, बगैर रोटी क्या कैसे खाऊं भैया? भी ट्राई करने हैं वैसे भैया। प्याज की जगह क्या डाल रहे हो? प्याज का प्याज ही डाल रहे हो? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, सठिया गया है बेचारा। अच्छा। नहीं वो प्याज की जगह क्या डाल रहे हो पूछ रहे हैं? प्याज नहीं होगी ना, प्याज इसलिए बोल रहा था। और सही, कॉस्टली भी नहीं यार, सही है। 70 रुपीज़ में नहीं,
भैया आप बोल दीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं। दोस्त देखते हैं मेरे वीडियोस, आपको कोई भी आएगा इधर खा लेगा। कहाँ पे भी है लोकेशन? क्या GIP के सामने है ना? GIP सामने। भैया कब से आप दुकान लगा रहे हो? 8 साल। बाप रे बाप, 2008 से 2019 हो गया, 2019 खत्म होने लगा। चलो चलो भैया, थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा खाना है। अब हम रुमाली ले लेते हैं। मेरी खाए लिए ना, तू खा, मैं ले लेता हूँ। एक तेरा, एक मेरा। तो तू कैसे पकड़ेगी? स्मृति यार सही में बहुत ही उम्दा बनाया इन्होंने। बहुत ही अच्छा है यार। उम्दा यानी बहुत ही टेस्टी लग रहा है, मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि नहीं मैं खा चुकी नहीं मैं भैया मैंने एक ना उधर खाया था भैया, एक रेस्टोरेंट है वहाँ खाया था। वहाँ पे ना चाप का जो चाप, ऐसे लगा पत्थर काट रहा हूँ मैं। मैंने भरी गर्मी में चाप, गर्मी में तो और सॉफ्ट हो जाती है चाप तो। नहीं वो बहुत हार्ड थी, तोड़ने में भी मुश्किल हो रही थी और पानी बस पूछ मत यार, बस खा के छोड़ ही जाता। फाइनली हमने यहाँ पे खा लिया और खाने के बाद इतना मस्त एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा बनाते हैं भैया। मतलब तुम्हें लगेगा नहीं कि ये मतलब एक हिंदी में कहते हैं ठेला है, बट इस ठेले पे इतना प्यारा स्वाद मिलता है। और आप लोग यहाँ पे ज़रूर आओ और मैं आपको दिखा दूँ, सामने GIP है, आपको लग रहा होगा GIP है किधर। ये 18 मेट्रो स्टेशन है और ये रही हमारी प्यारी स्मृति और हम चरण जाने वाले अपनी स्क्रिप्टिंग पे। और इसका यार आज पता है अपना एक चैलेंज शूट कर रही है, वो है डे विदाउट फोन। फाइनली डे विदाउट फोन बड़ा मुश्किल होता है और बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल को हम आसान बनाएंगे और साथ मिलके बनाएंगे। सुबह से झेल रही है, मैं झेलूंगा साथ में उसकी। चल यार अब मिलते हैं थोड़ी देर में।